इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, टिप्पणियों को, इन चौपाइयों को रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। पहले बिहार और फिर यूपी, रामचरितमानस को लेकर विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर भाषा की मर्यादा को एक बार नहीं कई बार लांघ चुके हैं, और फिर उनके समर्थन में आए लोग तो एक कदम आगे बढ़ गए। हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस को लेकर पहली बार विवाद हुआ। भले ही इस किताब से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यूपी की राजनीति राम और राम मंदिर के आसपास ही घूमती रही। बात करते हैं 4 दशक पहले की, एक ऐसे नेता की जिसका राजनीतिक करियर ही रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर खत्म हो गया। हालांकि अब वो नेता हम सबके बीच नहीं है, लेकिन रामचरितमानस पर टिप्पणी कर जो गलती उस नेता ने की, उसका भुगतान उसे अपने करियर को दांव पर लगाकर करना पड़ा। बात दिवंगत नेता रामपाल सिंह की कर रहे हैं। रामपाल 1974 में कानपुर देहात के डेरापुर विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे। उन्होंने विधानसभा के अंदर ही रामचरितमानस का पन्ना फाड़ दिया था। ये उन्हें इतना महंगा पड़ा कि उनकी राजनीति ही खत्म हो गई। रामचरितमानस का विरोध रामपाल सिंह यादव ने कुछ इस तरह से किया था कि उनका नाम ही रामायण फाड़ यादव रख दिया गया था। वो रामायण फाड़ यादव के नाम से ही जाने जाने लगे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि रामपाल को जनता पसंद नहीं करती थी, और यही वजह थी कि 2 बार उन्हें चुनाव जिताकर भेजा। लेकिन अपने समय के इस लोकप्रिय नेता ने रामचरितमानस का पन्ना फाड़कर ऐसी गलती कर दी जिसे जनता ने कभी माफ नहीं किया। रामचरितमानस पर उनकी अभद्र टिप्पणी से लोग इतने नाराज हुए थे कि उन्हें सिर आंखों पर बिठाने वाले जनता ने ही उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। 1974 के चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। चलिए विस्तार से जानते हैं कि कौन थे रामपाल सिंह यादव, जिनको कहा जाने लगा रामायण फाड़ यादव। कौन थे रामपाल सिंह यादव? रामपाल सिंह यादव 70 के दशक में सोशलिस्ट पार्टी के कानपुर के प्रभावी नेता हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कुल 4 बार विधायकी का चुनाव लड़ा था। कानपुर की डेरा विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर शुरुआती 2 बार उन्हें जीत मिली और वो विधानसभा पहुंच गए। साल 1969 में उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता नित्यानंद पांडे को हरा दिया था, जिसके बाद से जनता पर उनका प्रभाव खूब बढ़ा था। उनकी लोकप्रियता कुछ ऐसी हो गई थी कि दूसरी बार भी जब वो चुनाव लड़े तो आसानी से जीतकर विधानसभा पहुंच गए। लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा कांड कर दिया था कि अपने पूरे राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगा दिया था। ये ग्रहण ऐसा लगा कि काले बादल कभी छट ही नहीं पाए और वो रामायण फाड़ यादव के नाम से विख्यात हो गए। अब आपको मामला बताते हैं कि आखिर रामपाल सिंह यादव ने क्या किया था, क्यों रामपाल सिंह यादव का नाम पड़ा रामायण फाड़ यादव। साल 1974 की बात है। डेरापुर से विधायक रामपाल सिंह यादव ने सदन के अंदर रामचरितमानस की उस चौपाई वाले पेज को फाड़ दिया जिसमें कहा गया था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। इस दौरान उन्होंने मानस को लेकर अभद्र टिप्पणियां भी की थी। ये ऐसा समय था जब लोगों को खबरें अखबार से मिलती थी, और जब लोगों ने अगले दिन रामपाल सिंह यादव का वो रूप अखबार के जरिए देखा और समझा तो मानो उनका तो रामपाल सिंह यादव पर से विश्वास ही उठ गया। लोगों ने रामपाल सिंह यादव का विरोध शुरू कर दिया, विरोध भी ऐसा कि उनको जिताने वाले लोग ही सड़क पर उतरकर उनका विरोध करने लगे। उनके पैतृक गांव सिटमरा में भी लोग उनके खिलाफ हो गए। शायद रामपाल यादव ने सोचा होगा कि अपनी इस हरकत की वजह से वो सुर्खियों में छा जाएंगे। सुर्खियों में तो छाए, लेकिन लोगों के विरोध की वजह से यहाँ तक कि उनका नामकरण ही कर दिया गया, रामायण फाड़ यादव नाम रख दिया। जिसके बाद साल 1977 में चुनावी मैदान में वो उतरे तो उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसी घटना के करीब 47 साल के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने रामायण को लेकर विवादित टिप्पणी की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ आवाज उठाई, रामचरितमानस को बकवास बताया, रामचरितमानस को तुलसीदास की खुशी के लिए लिखी हुई किताब करार दिया। जिसके बाद अब प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जमकर विरोध हो रहा। सपा के नेता भी लगातार उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। तो अब सवाल उठने लगा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का भी हाल रामायण फाड़ यादव जैसा होने वाला है, या फिर यूं कहें कि रामपाल सिंह यादव जैसा होने वाला। क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी करियर खत्म होने वाला? आपको बता दें, अभी हाल ही में 3 लोग रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं।
सबसे पहले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद कर्नाटक में एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने रामचरितमानस पर गलत टिप्पणी की और अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर उल जुलूल टिप्पणी कर अपने करियर को रिस्क में डाल रहे हैं। वैसे आप रामायण फाड़ यादव की रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी और उसके बाद उनके हुए हश्र को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।